हे कानों में यह झूमती है गोल गोल तेरी ये दोनों वालियां, जुल्फे ये खोल के तू नाचे जब जब मैं मारू तालियां। वो आज मेरा एक काम कर दे, तू ये दिल मेरे नाम कर दे, तेरे चख लूंगा नखर में सारे। हो बिल्ली बिल्ली अख गोरिए, आह मुनिया नु चख गोरिए, तेरे पीछे है फिर दे कवारे। तारे 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 तारे। वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान, भाई जान, स्मैशिंग एट द बॉक्स ऑफिस। ईद कलेक्शंस आर आउट ओवर हियर एंड द फिल्म हैज जस्ट शॉक्ड एवरीबॉडी। भैया इधर आइए, लगता है सेंटर शॉक खा के आए। मजा आ गया भाई, सलमान बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिए। एब्सोल्यूट क्रेजी सिनारियोस। देख गाइस, एक फिल्म अगर अच्छी नहीं होती ना तो गाइस, ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, वो फिल्म गिरनी ही गिरनी है। यहाँ पर सलमान खान ने अपने स्टारडम को ऐसा प्रूफ किया है कि पहले दिन जो फिल्म 15.81 करोड़ कमाई थी, इट हैज सेंड इंडस्ट्री इन शॉक वेव्स। अगर ईद भी होती तो मैक्सिमम 5 या 10% का ग्रोथ होता, 17-18 करोड़ आता। दिस इज शियर स्टारडम। दिस शोज कि फिल्म जितनी खराब बताई जा रही है उतनी है नहीं है। इवन द फिल्म हैज बीन अप्रिशिएटेड एंड स्टारडम ऑफ सलमान खान प्लस ईद हैज ओवरपावर्ड एवरीथिंग एंड द ऑफिशियल कलेक्शंस आर आउट। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली संडे क्या है। महेंद्र सोनी जी, जो कि यहाँ पर को फाउंडर है SVF सोशल, होचोए टीवी, SVF सिनेमास के, उन्होंने आज एक बहुत अच्छी चीज जो है वो यहाँ पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, सलमान खान इज रॉकिंग द स्क्रीन्स, 11 AM शो ऑफ किसी का भाई किसी की जान एट गीतांजलि बोलपुर। अरे जो कितने लोग गीतांजलि बोलपुर सिनेमा जानते हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस हाउसफुल जी स्टूडियोज को टैग किया उनके डिस्ट्रीब्यूटर को। इतना ही नहीं गाइस, रुका राजमंदिर सिनेमा जयपुर, फर्स्ट शो 97%, मैटनी हाउसफुल, इवनिंग का शो हाउसफुल, रात का शो हाउसफुल, किसी का भाई किसी की जान इज रनिंग सुपर स्ट्रांग। आज का शो काउंट ऑलमोस्ट 17,000 टच किया है, 17,000 शोज, डे नंबर 3, संडे सुनामी, भाई किसी का भाई किसी की जान। एंड गाइस, सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आ रहे हैं, कसम से अगर मैं आप बोलने बैठूंगा ना तो तुम लोग पागल हो जाओगे हंस हंस के, मर मर के। सलमान खान किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्म को लेकर, फराज सामजी डायरेक्टर लेकर, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 दिनों में 70 करोड़ मार रहा है। जस्ट इमेजिन, एक बड़ा डायरेक्टर, एक बाप लेवल की फिल्म होती तो सलमान खान अपने स्टारडम से क्या कर सकता था, क्या प्री कोविड क्या पोस्ट कोविड। सलमान खान वहां जहां था वहां है एंड वहां हमेशा रहेगा। आज के कलेक्शन विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हे गाइस, आज के जमाने में ईद हो या फिर कोई दूसरी छुट्टी हो, इतने कलेक्शंस करना आसान नहीं है। बहुत सारी फिल्में आई फेस्टिवल्स पर, इतना क्रेजी जंप, वो भी ये वर्ड ऑफ माउथ लेकर, दिस इज कम्प्लीटली जिपिट मटेरियल एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग एंड एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। डे नंबर 1 15.81 करोर्स, डे नंबर 2 25.75 करोर्स। यस फ्रेंड्स, ईद पे सलमान खान ने 25.75 करोड़ की कमाई की है, जो कि गाइस पोस्ट कोविड एक बहुत ही सॉलिड नंबर पोस्ट किया है। इसी के साथ 2 दिनों में किसी का भाई किसी की जान ने 41 करोड़ की कमाई कर ली है। एब्सोल्युटली ह्यूमंगस, टू बी वेरी एक्यूरेट, 41.56 करोड़। यस फ्रेंड्स, 41.56 करोड़ कमाई की, इसका ग्रॉस कहीं ना कहीं 50 करोड़ होता है। डे 1 ओवरसीज में 7 से 8 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सेम गोज विद डे नंबर 2। यानी कि ये फिल्म जो है पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं आज 2 दिनों में 65 करोड़ का वर्ल्ड वाइड टोटल जो पार कर लिए है। इंडिया की बात करूं, आज मेरा प्रेडिक्शन जो है इस फिल्म का ऑलमोस्ट 28 करोड़ रुपीज का है। एंड गाइस, अगर 28 करोड़ आया एंड सलमान खान किसी का भाई किसी की जान, तो गाइस सलमान खान सिर्फ 3 दिनों में 70 करोड़ का बॉक्स ऑफिस करके निकल जाएगा। एंड टुडेज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इज ब्रिलियंट, ऑलमोस्ट 18-19% पे खुला है, जो कि गाइस पहले 2 दिनों के मुताबिक एक बहुत ही बड़ा नंबर है फॉर अ मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी। मतलब इंडिया में ये फिल्म कहीं ना कहीं गाइस 3 दिनों में 70 करोड़ कमाकर निकल जाएगी, जिसका ग्रॉस कहीं ना कहीं 84 से 85 करोड़ होगा। ओवरसीज यहाँ पर मैं 3 दिनों में पर्सनली 30 करोड़ एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। मुझे पता है उससे ज्यादा कलेक्शन आने वाले हैं, 94, 104, 114। वी कैन एक्सपेक्ट द 3 डेज टोटल वर्ल्ड वाइड टोटल ऑफ किसी का भाई किसी की जान मोर देन 110 करोड़, क्योंकि पैंडेमिक के बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके वर्ल्ड वाइड के टोटल को
केवल 3 दिन में। दैट्स व्हाट सलमान खान कैन डू टू यू, ही कैन डिस्ट्रॉय बिग फिल्म्स इन जस्ट 3 डेज। जहां पर सलमान खान की बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चलती है, वहां पे कई सुपरस्टार्स की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में शुरू होती है। दैट इज सलमान खान फॉर यू। अ 325 प्लस करोड़ वर्ल्ड वाइड रेस 3 इज कंसिडर टू बी अ बैड फिल्म। अ 300 प्लस करोड़ भारत इज कंसिडर टू बी अ नॉट सो सक्सेसफुल फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस। कई स्टार्स की बहुत सक्सेसफुल फिल्म जो रहती है ना, उनके लाइफ टाइम 300 करोड़ होते हैं। दैट इज वॉट इज मेगा स्टार सलमान खान। इसीलिए तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है सलमान खान से, क्योंकि वॉट सलमान खान कैन डू एट द बॉक्स ऑफिस वेरी फ्यू स्टार्स कैन डू। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी गाइज। अब आगे इस फिल्म का क्या होता है ये तो भैया रात को पता चलेगा, तब तक इंतजार कीजिए। सो आई एम अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से ब्रिंग इट ऑन।